ज्यादा ट्रैफिक है, मुझे पता भी नहीं लगा और मेरे बाल कैसे कटे। इंडियन एंड पहाड़ी मदर। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। पुष्पा दो साथ ब्लॉक में आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो आजकल आई है मेरी सासू माँ, जो कि मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अभी नाश्ता करके कर रहे हैं सासू माँ थोड़ा आराम, क्योंकि उन्होंने ली है अभी बीपी की गोली। बीपी और थोड़ा कमर दर्द वगैरह भी हुई है उनकी, और थोड़ा हाथ में एलर्जी वगैरह हुई है, तो दवा वगैरह खा के अब सासू माँ कर रहे हैं थोड़ा सा आराम। और मैं जाती हूँ ड्यूटी को। बाय बीबी लूना। हाँ बाय। हाँ अब ध्यान दिया, चाहे देर में बेला देकर लजिया बजे। हाँ जय स्वामी कंपनी का अजीब। तो अभी मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं लाजवंत की बहू बन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है धूप और छाता तो हम भूल जाते हैं जहाँ तक। हाँ तो उसने दुपट्टा डाला है सर पे और इतनी धूप लग गई कि अब बिल्कुल नहीं जाया जा रहा है। तो यहीं पे है एक अमरूद का पेड़, तो वहीं पे हम एक मिनट के लिए खड़े हो गए हैं और इसमें लगे ना प्यारे प्यारे अमरूद के फूल, और अमरूद भी लगे हैं, दिखाती हूँ मैं छोटे छोटे अमरूद आप लोगों को। डाली डाली फूलों की ना, ज्यादा ट्रैफिक है कि रोड क्रॉस करने में ही बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो मैं ऑफिस में आते ही लग गई हूँ अपने कार्यों में, और अभी मैं बना रही हूँ रिपोर्ट, और जो कि मैंने सीएमओ ऑफिस भेजनी है और वो फिर स्टेट को जानी है। मैडम भी कर रहे हैं अभी काम, आसाओं का जो पेमेंट है उसको डाल रहे हैं अभी। तो घर आने के बाद मैंने खाना खा लिया है और अब थोड़ा बर्तन वगैरह साफ करती हूँ, फिर करती हूँ आराम। अच्छे दिन का खाना बना देते हैं तो इतना ही बहुत है, तो मैं कहती हूँ बर्तन आप लोग रख देना, इसलिए मैं खाके जब भी टाइम होगा तब साफ कर लूँगी। तो घर आने के बाद खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करके फिर बर्तन वगैरह साफ करके अभी अब बना रही हूँ शाम की चाय, और थोड़ा सा तल रही हूँ चिप्स भी साथ में। वैशाली ने रखी है यहाँ पे चाय और मेरी बन रहे हैं यहाँ पे चिप्स। मैं चीनी नहीं खा रही हूँ, मैं अभी मेरे को पूरे एक महीना हो गया चीनी छोड़े हुए, मैं गुड़ खा रही हूँ। मम्मी चाय के साथ क्या बना रही चिप्स। टिपिकल इंडियन एंड पहाड़ी मदर। मम्मी थक जाती है, क्या करें, थक जाती है चिप्स बनाती है। हमारी शाम की चाय हो रही है, सब लोग साथ में पी रहे चाय, अम्मा बुबू, ये चिप्स मैं नहीं खा रही हूं, और बेलू दो साजी मैं। वैशाली नहीं खा रही है, फिर वो जिम जा रही है, पता नहीं कैसे अपने मन को कंट्रोल कर देगी। काफी कंट्रोल है। कैसे कर देती है आज अपने को कंट्रोल कर देती हूं। मैं सोचती ना मैंने इतनी मेहनत की है तो क्यों वेस्ट जाए। खा लो एक। तू ना साथियों, घर आके तो मैंने फटाफट काम वगैरह किया और उसके बाद थोड़ा आराम किया। जब मैं उठी
तुम अपने बालों को देख के ना बिल्कुल परेशान होगी कि मेरे बाल काटे किसने आखिर, और मुझे पता भी नहीं लगा और मेरे बाल कैसे कटे। तो उसके बाद मुझे थोड़ा शक तो था, तो फिर मैंने डायरेक्ट फ़ोन किया, तो ये मेरे बाल ना मेरी बेस्ट फ्रेंड ने काटे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आ गई थी झपकी। तो जब मुझे झपकी आती ना तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती कि मैं कहाँ हूँ करके, तो मेरे बाल एक कटे मिले। ये देखो क्या करती बेस्ट फ्रेंड है ना, माफ़ कर दिया, नहीं तो ऐसे बाल कटे में कौन माफ़ करेगा ना। जब भी मुझे झपकी आती है कुछ ना कुछ कृपात करती रहती है, जैसे कभी बाल काटना, कभी नेल से काट देना, और कभी कुछ भी मेरी गर्दन वगैरह में लिखना। उसकी छोटी छोटी शरारतें ना मुझे अच्छी भी लगती हैं, और कभी कभी ना गुस्सा भी आता है। अब या तो बराबर काटे हुए होते हैं ऐसे काट दिए हैं, कभी कभी ना मूछे भी बना देती है वो। वैशाली भी छत में आई है कुछ लिखने के लिए, शायद वो कुछ पोएट्री लिख रही है, उसे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। रात को जुगनू की तरह चमकती हुई ना ये लाइटिंग कितनी खूबसूरत लगती है, एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है चारों ओर बिल्कुल। तो शाम की सब्जी बनने लगी है, दोस्त आज की ड्यूटी है सब्जी बनाने की, वो बना रहे हैं कद्दू, और वैशाली बना रही है अपने लिए खिचड़ी, और मैं बनाती हूँ थोड़ा सा चाय। आप भी पियोगी चाय? साजी शॉप के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाते हैं, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं छोटी छोटे कामों में। तो कद्दू की सब्जी हमारी बन गई है, तो मैंने ना इसको खूब ज़्यादा मैश कर लिया है, तो अब ऊपर से पड़ता है कद्दू की सब्जी में मलाई। तो दूध की जो मलाई मैंने निकाली है तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ, और जिससे कि ना कद्दू की सब्जी में चार चांद लग जाते हैं। और मलाई डालने के बाद ना हमें इसे 5 मिनट पका लेना पड़ता है, तो आप लोग भी ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर ना जैसे हम लोगों को ना ज़्यादा गूंदने में ना आटे को प्रॉब्लम आती है, तो हल्का हल्का गूंद के बस ऐसे इसको रख देना है, और थोड़ा ऐसे 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 करके ऐसे अगर हम इसको ढक देंगे ना आधा घंटा, तो थोड़ी देर में इतना अच्छा हो जाता है बिल्कुल गूंदा जैसा बिल्कुल। बस फिर सब इसको इकट्ठा करके इसके हम रोटियां बना सकते हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती। तो हमारी दाल भी बन चुकी है, कद्दू की सब्जी भी बन चुकी है, और अब है रोटी बनाने की तैयारी, और तवा हो रहा है गरम, फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। समय बड़ा पहलवान रे भैया, समय बड़ा पहलवान, समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाए भगवान। समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान। इस दुनिया में समय ने भैया राम को भी ना छोड़ा, राम को भी ना छोड़ा, छोड़ के उनका राज सिंहासन बन से नाता जोड़ा, बन से नाता जोड़ा। तो अभी रात के बज गए हैं 10,
और अब हो रही है सभी की सोने की तैयारी, और मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की एडिटिंग, और यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।